दोस्तों, आज हम अपने राष्ट्र गौरव के जो प्रतीक राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद हैं। दोस्तों, आपने सिर्फ इसको क्लिपों में या वीडियोस में ही देखा होगा, बट आज हमें इसको हम असलियत में आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार राष्ट्र गौरव राष्ट्रपति भवन का असलियत में गौरव है क्या। सिर्फ क्लिपों में देखने से, वीडियो में देखने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन हमारे देश के प्रथम नागरिक का आवास होता है और इसे लगभग बहुत बारीकी से इटली की जो कलाकारी है उससे नवाजा गया है। पहले यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति ना होके जो ब्रिटिश के हुकूमत के अधिकारी हुआ करते थे वो यहाँ पे वास करते थे, बट जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आवास मिला। और राष्ट्रपति जो है हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमें सम्मान करना भी चाहिए। और राष्ट्रपति ही हमारे देश के प्रथम नागरिक, सेना के अधिकारी और बहुत जो विश्व के सामने जो सबसे बड़ा प्रतीक होते हैं किसी भी देश का, वो राष्ट्रपति पद ही होता है। राष्ट्रपति भवन में 750 कर्मचारी काम करते हैं और 245 तो यहाँ पे आधिकारिक रूप से काम करते हैं। तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि राष्ट्रपति के इतने बड़े भवन में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं होगा, बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वो कार्यरत होते हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति का आवास नहीं होता कि वो अकेला वहाँ पे रहता हो। दोस्तों, राष्ट्रपति के भवन के सामने एक पथ जाता है, आप देख सकते हैं। ये देखो, पथ जो है बहुत लंबा है, लगभग आपको यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। और इसके लगभग एंड पे आपको एक बहुत ही भव्य स्मारक जो है इंडिया गेट, इंडिया गेट का चिन्ह आपको बहुत हल्का हल्का सही दिखाई देगा क्योंकि ये बहुत दूरी पर है। अभी हम आपको ले चलेंगे राष्ट्रपति भवन से सीधा इंडिया गेट पर, ताकि हम उसका भी दीदार कर सकें। और हम आपको बहुत ही खुशी से बताना चाहते हैं कि अभी का जो मंजर है, हम भी देखकर बहुत ही गदगद हैं कि हमारे राष्ट्र के गौरव को हम इतने बारीकी से देख पाए। दोस्तों, अब आखिरकार आपका जो रोमांच था वो खत्म हो ही गया है, अब हम फाइनली इंडिया गेट पे आ ही गए। इंडिया गेट भारत की एक ऐसी धरोहर है जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पे विदेशी भी आते हैं। और यह हमारी एक ऐसी धरोहर है जहाँ पे हर साल जो भारत के प्रधानमंत्री हैं 26 जनवरी को यहाँ पर आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं और साथ ही यहाँ की जो अमर जवान ज्योति है, जो शहीदों की स्मारक है, शहीदों की ज्वाला है, राष्ट्र का गौरव प्रतीक है, वो हमेशा यहाँ पे जलती ही रहती है, वो कभी भी बुझ नहीं सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, वो अमर जवान ज्योति कभी बुझ नहीं सकती है। तो इसलिए क्या है कि ये अमर है, तो हमारा राष्ट्र में जो अमर जवान है वो भी है और जो इंडिया गेट की जो स्मारक स्थिति है वो भी हमारी अमर ही रहेगी और राष्ट्र गौरव के साथ साथ हमारा देश भी अमर रहेगा। दोस्तों, अब हम इंडिया गेट के कुछ रोचक तथ्य जानते हैं जिसकी जानकारी शायद ही आपको किसी और ने भी बताई हो या नहीं भी बताई, पर हम तो जरूर बताएंगे। दोस्तों, पहला तथ्य, इंडिया गेट की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, 43 मीटर। यस, 43 मीटर जो है इंडिया गेट की ऊंचाई है। और यह जो स्मारक है इसको किसने बनाया था, एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। और इसका पुराना जो नाम था, ये दूसरा तथ्य हमारा, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, किंग्स वे नाम था। तो इसका पुराना नाम किंग्स वे था और इसका जो डिज़ाइन है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, हमारे बैक में दिखाई दे रहा होगा, इसको एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे तथ्य पर जो बहुत ही रोचक है। दोस्तों, आज का जो तीसरा बहुत ही अद्भुत तथ्य है, इंडिया गेट के पास में ही एक छतरी है, मतलब एक छोटा सा और स्मारक है, उस छतरी के अंदर क्या थी, पंचम की, जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। और वो मूर्ति अब आपको नहीं मिलेगी, आप ढूंढे वो भी तो भी इंडिया गेट के सामने वो छतरी में आपको मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रोचक तथ्य है, क्योंकि यहाँ पे वो मूर्ति अब है ही नहीं। आपको उस मूर्ति को अगर देखना है, उसके मूर्ति का दीदार करना है या फिर जॉर्ज पंचम का दीदार करना है, तो आपको जाना होगा कहाँ पे, कॉरोनेशन पार्क में। तो कॉरोनेशन पार्क में आपको जॉर्ज पंचम की उस समय की मूर्ति मिलेगी जो इंडिया गेट के टाइम पर हुआ करती थी और जब उन्होंने प्रथम विजिट यहाँ पर किया था। दोस्तों, अब हम अपने चौथे जो तथ्य है, रोचक तथ्य है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गेट के ऊपर हम इसको ऐसे ही राष्ट्र गौरव या शहीदों का प्रतीक नहीं कहते, इसे हम इसलिए शहीदों का प्रतीक कहते हैं क्योंकि इसमें 13,300 सैनिक और 13,300 अधिकारियों का जो नाम है इसी में मिक्स किया गया है। तो दोस्तों, आप ये स्मारक एक स्मारक नहीं है, ईंट पत्थरों का पुतला नहीं है, ये राष्ट्र के शहीदों का एक स्मारक है जिसमें एक एक नाम को शहीद के रूप में दर्ज किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले तथ्य की तरफ। दोस्तों, आज का जो पांचवा जो रोचक तथ्य है वो बहुत ही रोचक है।
क्योंकि इस स्मारक को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 तक जो हुआ था, उस दौरान जितने भी भारतीय लोग शहीद हुए थे उन शहीदों का आंकड़ा कितना, 80,000 भारतीय लोग शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में ये स्मारक बनाया गया था। क्योंकि उस युद्ध में जब भारतीय सैनिकों ने सहायता दी थी तो ब्रिटेन जीत गया था, तो ब्रिटेन ने इसी जीत के लिए इस स्मारक को बनवाया ताकि आने वाला भविष्य उन सारे शहीदों को जान सके। दोस्तों अब जो छठा तथ्य है वो और भी ज़्यादा रोमांचक है और भी ज़्यादा रोचक है, क्योंकि इंडिया गेट के जस्ट नीचे आपको एक अमर जवान ज्योति मिलेगी जो सच में अमर है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा मैंने आपको बताया कुछ भी हो जाए वो बुझ नहीं सकते। और इसको बनाया कब गया था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसमें भारत विजयी रहा था, तो उस समय जो भी शहीद हुए थे उन शहीदों को याद रखने के लिए हमने अमर जवान की स्थापना की थी और आज भी और अभी भी हमारे सामने वो जल ही रही है। बढ़ते हैं अपने अगले रोचक तथ्य की तरफ। दोस्तों अब जो आपका आठवां जो तथ्य है, सातवां जो तथ्य है उसमें क्या है, जो हमारा इंडिया गेट है उसको 1921 में ड्यूक ऑफ कनाथ ने रखा था और इसको बनाने में लगभग 10 साल का टाइम लगा था। तो दोस्तों ये स्मारक बहुत जल्दी नहीं बना दिया गया है, हाथ की कला तो है ही, पर इसमें राष्ट्र गौरव का इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्र गौरव का प्रतीक, क्योंकि इसमें 10 साल हमारे भारतीयों ने अपनी सारी मेहनत और शहीदों की याद में इसको बनाया है। बढ़ते हैं अपने अगले तथ्य की तरफ। दोस्तों रोचक तथ्य तो हमने बहुत जान लिए, अब हम रोचक तथ्य के साथ इसकी आपको बहुत शानदार स्थिति दिखाते हैं। अगर आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे तो तो इंडिया गेट को शाम के समय पे जो रोशनी होती है और इसका दीदार करने के लिए जो आपको लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है, और इसका अद्भुत नज़ारा सिर्फ भारतीयों को ही नहीं विदेशियों को भी लुभाता है। तो आप और हम भी यहाँ पे दीदार करने पहुँचे हैं और हमारे साथ साथ आप भी इंडिया गेट का दीदार जरूर करिए। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था, हम आपको कुछ गलतियों के बारे में ज़रूर बता देते हैं जो आपको दिखाई दे रही होगी। नॉइस आपको आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है इंडिया है और क्राउड और राष्ट्र गौरव के प्रतीक पे क्राउड ना हो भारतीयों का ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हुए आपको ये सब चीज़ें लेकर आए हैं ताकि आप जान सको कि असलियत में जो आप पिक्चरों में देखते हो इंडिया गेट को, फोटोज़ में देखते हो, असलियत में कुछ और ही है। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो और ऐसी जानकारी ज़रूर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अब हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ यूट्यूब पर तो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सभी को टाटा बाय, और जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा, हमारा व्हाट्सअप पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे अपने व्यूज़ दे सकते हो ताकि हम आपके हिसाब से भी कुछ ना कुछ लाते रहें। तो इसी के साथ टाटा बाय, मिलते हैं अगले कुछ ऐसे रोचक स्थल पे जहाँ पर आप भी सोचोगे कि ये सर आपने क्या बना दिया, इसकी तो जानकारी हमें थी ही नहीं। तो मिलते हैं अब अगले ऑडियो सेशन में, टाटा बाय।